डियर बाबा प्रणाम। आज बहुत हिम्मत करके आपको ये लेटर लिख पा रही हूँ। आज से 3 साल पहले जब नए जॉब के लिए कोलकाता से मुंबई शिफ्ट होना था, तब भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपको खुद से बता सकूं। माँ का सहारा लेना पड़ा था। हमेशा आपसे इतना डर जो लगा रहता था। सच बताऊं तो ये डर नहीं, आपके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है। आपने हमको उंगली पकड़ के चलना तो सिखाया बाबा, पर कभी ये नहीं बताया कि इतना बुरा समय भी आएगा कि हम सबको अपने ही घर में किसी पक्षी की तरह बंद होके रहना पड़ेगा। बचपन में आप सही कहते थे कि किसी पक्षी या जानवर को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल कार्मा। पापा, जब मैंने आपको पहली बार बताया था कि मुझे इंटरकास्ट मैरिज करनी है एंड वी विल बी सेटलिंग अब्रॉड, यू वर नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन, बट आपने कभी जताया नहीं कि आपको सुखविंदर से कोई भी प्रॉब्लम है। यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव बाबा। बाबा, आई एम सो सॉरी, आई कुडंट बी देयर इन योर लास्ट टाइम ड्यू टू दिस लॉकडाउन। आई कुडंट बी देयर विद यू। I'm stuck here. I'm so helpless. Nobody understands. This is a never just see. I don't know, Papa.